सेठ बोला बेटी चुप हो जा, कोई चोर नहीं, अपने गांव के परम भगवत भक्त साधु सेवक हरपाल विप्र अपने धन को शुद्ध करने के लिए आए हैं। हरपाल विप्र ने ये बात सुन ली तो सारा मटेरियल छोड़कर भाग गए कि ये तो परम भक्त है भगवान का, इसके घर क्या चोरी करेंगे। अब सुबह हो गई, साधुओं का तो काम था आना, तो साधु मूर्तियां फिर आ गई। हरपाल विप्र की पत्नी रोने लगी कि महाराज गहना भी नहीं बचा, उधार भी नहीं मिलेगा और मूर्तियां ज्यादा आ गई, अब आज का भाल बाल भोग साधु की सेवा कैसे होगी। हरपाल विप्र बोले चिंता मत करो, हम जाते हैं किसी ना किसी को हम लूटेंगे, आज कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं। तो इन्होंने लठिया ली और मार्ग में खड़े हो गए जंगल में जाकर बीच में, कि कोई ना कोई सेठ निकलेगा सौदागर निकलेगा तो उसको लूट करके साधुओं की सेवा चलावेंगे। अब भगवान ने सोचा बड़ी देर हो गई, आज कोई आ ही नहीं रहा, कहीं इनका साधु सेवा का संकल्प टूट ना जाए। तो भगवान जाने लगे तो रुक्मणी मैया ने पूछ लिया कहां जा रहे सरकार। भगवान रुक्मणी जी से बोले देखो देवी, हर बार तुम टोक देती हो, आज हम अपने भक्त को दर्शन देने और लुटने जा रहे हैं। रुक्मणी मैया बोली तो हम भी चलेंगे। ठीक है देवी तुम भी चलो। भगवान साहूकार बन गए, रुक्मणी मैया ने 16 अंगों में गहने पहने, खूब मोतियों को मिला और आज जगत का चित लूटने वाले खुद लुटने चले आए। भगवान साहूकार मोटा रूप धारण करके जिस गली में विप्र हरपाल ठहरे थे उसी गली में आ गए। ऐसे रखे हुए विप्र हरपाल सोच ही रहे थे मन मन, आज लगता सालों का संकल्प टूट जाएगा, कोई आ ही नहीं रहा। इतने में मोटे ताजे साहूकार और सिठानी को देखा तो चमक के मारे खुश हो गए, अब बढ़िया रहा। भगवान नजदीक आए सो दूर से ही भगवान बोले भैया राम राम। विप्र हरपाल बोले लगता ये तो भक्त है, इसको नहीं लूटेंगे। भगवान बोले सुनो, हमने ये नियम पूर्ण कर लिया पर तुम राम नाम का नाम मत लेना, राम राम मत कहना। हरपाल विप्र बोले क्यों। बोले हमें भगवान के नाम से बड़ी ग्लानी है। विप्र हरपाल समझ गए ये नंबर एक का नास्तिक है, पापी है और माल डॉल भी इसके पास खूब है और इसकी घरवाई भी खूब गहने ला दे, इसको लूट ले कोई दिक्कत नहीं है। बोले भैया कहां से आए। भगवान बोले बस भैया यहीं से आए, आगे के गांव तक जाना पर तुम हमारी कुछ मदद कर दोगे। बोले क्यों। बोले हमने सुना इस रास्ते में एक हरपाल नाम का विप्र है, बड़ा नंबर बनकर डकैत है। हरपाल बोले बात तो बढ़िया सुनी, एकदम सही बात है महाराज, उससे बच के रहना, डकैत बहुत खतरनाक है वो। और बोले डकैत भर नहीं है, लठ भी मारता है। भगवान बोले भैया तुम्हें पता है कि कौन सी गली जानी चाहिए। बोले हमें सब पतो है, हमारे अनुसार भर चलो, हमें क्या मिलेगा। भगवान बोले क्या चाहिए। बोले कुछ तो जाने। सेठ ने एक मोहर दे दी, ये रुक बोले तुम यहीं ठहरो हम अभी आते हैं।
भगवान से मोहर ली, ये बेच करके कुछ बाल भोग श्रीमती जी को दे गए। और जाकर बोले, देवी तुम जब तक बाल भोग बनाओ, साधुओं को पबाओ, हम राजभोग की व्यवस्था करके आई थी। अपनी लाठी ली और हरपाल विप्र वन में आ गए, जहां भगवान सेठ बने हुए खड़े थे। बोले चलो सेठ। भगवान बोले, भाई तुम आगे आगे चलो, हम पाछे पाछे। बोले ऐसा क्यों? बोले एक तो हमारे साथ श्रीमती जी हैं, हम दोनों अपनी बातें करते आएंगे, तीसरे को बात नहीं सुननी चाहिए। दूसरा तुम्हें रक्षा करनी है, हरपाल विप्र अगर फंस भी जाएगा तो कम से कम तुम लड़ तो पाओगे, आगे हमारी रक्षा तो कर पाओगे, तो तुम आगे चलो, हम पीछे से आते हैं। हरपाल विप्र आगे आगे हो गए, भगवान पीछे पीछे हो गए। अब भगवान रुक्मणी मैया दोनों बात करने लगी, सुनो जी अपने पास इतनी संपत्ति हो गई, अब क्या करोगे? झूठ मूठ की बातें करने लगे भगवान। तो भगवान बोले, देवी सिठानी, कुछ संपत्ति को गाड़ देंगे और कुछ संपत्ति को बच्चों के नाम से बंटवारा कर देंगे। तो सिठानी बनी रुक्मणी मैया, बोली महाराज कुछ साधुओं को भी दे देना। भगवान बनावटी नाराज हो गए, चुप, साधुओं का नाम मत लेना, ये सब के सब पौंगा होते हैं, ये सब व्यर्थ में धन जाता है। हरपाल विप्र समझ गए नंबर एक का पापी है। मन ही मन हरपाल विप्र बोले, रुक जाओ श्रीमान, तनक देर में सबका सब जो तुम पहने हो सब साधुओं में ही जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। फिर क्या, आगे घना घोर जंगल आया तो हरपाल विप्र ने लाठी ली और जोर से भगवान के नजदीक पटक दी। मारने के हिसाब से भगवान कांप गए, सहम गए, अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ? हरपाल विप्र बोले, जिस हरपाल के लिए तुम डर रहे हो वो हम ही हैं, सावधान, खड़े तैयार हो जाओ ठीक से। भगवान कांपने लगे। अब बड़ा विस्मय था, बड़ा विचित्र दृश्य है, जो जगत को अपनी वाणी से, अपने स्मरण मात्र से कपा देते, वो भगवान आज भक्त के सामने कांप रहे हैं। जो भगवान के सामने बड़े बड़े काल कांपते हैं, बड़े बड़े देवता सिद्ध मुनिन्द्र देवेंद्र कपिंद्र कांपते हैं, आज भक्त के लिए भगवान कांप रहे। रुक्मणी मैया ने दृश्य देखा, राम 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 राम। बताओ तो, जो जगत को अपने द्वारा कपाते हैं, आज भक्त के लिए भगवान स्वयं कांप रहे। भगवान कांपते कांपते बोले, भाई हरपाल मारना मत, लूट चाहे जितना लो। हरपाल बोले, धरो जल्दी से, अपना गमछा निकाला, धरो सब। भगवान ने माला उतार दी, जो जो आभूषण पहने थे सब उतार दिए। बोले श्रीमती जी से कहो, नहीं तो हमने दे लठ। भगवान बोले, मारना मत, हम उतरवाएं सब दे रहे। रुक्मणी मैया बोली, हम नहीं उतारेंगे। अरे देवी उतार दो, हमारे प्राण जिंदा रहे तो हम और लिबवा दे देंगे, इससे ज्यादा गहना लिबवा, प्राण बचा लो, ये खतरनाक है, छोड़ते नहीं किसी को। हरपाल ने फिर पटका लगा, बोले हाँ सही कह रहे जी, इन्हें पतो है हमारे बारे में, हम काऊ को नहीं छोड़ते, मारते भी हैं और लूटते भी हैं। सब रुक्मणी मैया ने भी सारा जेवर संपत्ति उतार दी। एक अंगूठी पहने हुई थी, वो निकल नहीं रही थी। हरपाल विप्र बोले, इसे भी निकालो, कछु तुमाओ बचे ही ना। भगवान बोले, कछु तो रान दो। हरपाल विप्र बोले, नहीं, जौन अंगूठी पहने उमे हमारे लो चार पांच दिना सेवा चल जाने ना। अब हरपाल विप्र ताना देने लगे, अब शब्द कहने लगे, तो रुक्मणी मैया ने विचार किया, क्या किया जाए। अब भगवान ने सोचा, अगर ये ऐसे ही डराते रहेंगे तो कहीं देवी जी को आवेश ना आ जाए,
देर ना की जाए, तो तत्क्षण भगवान हरपाल विप्र के सामने अपना चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोले लो अब जितना चाहो हमें लूट लो। जहां भगवान को देखा हरपाल विप्र शरणागत हो गए। बोले अब का लूटने तुमने ही हमको लूट लिया है। और आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु आप भगवान। बोले हमें लगा कहीं तुम्हारा नियम ना टूट जाए, तो हम तो स्वयं तुम्हारे पास लुटने चले आए हैं।